पढ़ाओ। चलो ठीक है, थोड़ा बात देखिए सुनाई देता है। बस और पास आ जाएगी यार। सबसे पहले बहुमान फिल्म के ट्रेलर जो लॉन्च मिलेगा हमारे कंपनी, ये कंपनी से सबसे इतना प्यार उदार मिल रहा है बाइक के तरफ। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज ये मंत्री में भोजपुरिया परिवार सभी इकट्ठा भी हुआ, हम सब आदेश के आशीर्वाद दे दिखा के इसके लिए दे सकते हैं। क्यों और ये फिल्म के बारे में जो आपने पूछा फिल्म हमारे पास कैसे आई, इस फिल्म के कैरेक्टर हैं हमारे चाचा चंद्रभूषण मणि जी और हमारे बड़े भाई राम शर्मा जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके भतीजे हैं हमारे बिहारी जी। ये दोनों जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए और जैसा इन लोगों ने बताया कि राम शर्मा जी हैं ये तमिल मूवी का बिजनेस है बहुत बढ़िया सा, और वहाँ से आके ये हमको साइन किए, हमको समझे कि नहीं मेरा छोटा भाई है और इनके फिल्म में हमको काम करने का मौका मिला। आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये रानिया भी चाहिए सर तो क्या बात है। और ये भी इस फिल्म में काम किए बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई के किरदार में है और हम तो बात करेंगे, भैया भी बात करेंगी और ये अंजना जी बात करेंगी, हम सब परिवार बात करेंगे। बिल्कुल अंजना मैम से तो सवाल है ही, मैम इस बार जिससे मैं आपके पास माइक देता हूँ, हमने देखा कि बात के बाद आप जो है तलवार चला रही है, कौन सा के साथ तलवार चला रही है, थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें यादगार पल बताया जब वो सीन शूट हो रहा था, क्या चोटें लगी है, किस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री बनाई, मजा आ जाएगा। आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी टीम के लिए, यहाँ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राम शर्मा जी का और ये फिल्म मैंने कैसे की क्योंकि उसका सारा क्रेडिट करूँ जी राम जी सुनाया मुझे तो मुझे भी डायलॉग याद आया इस फिल्म का कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है। सर की तरफ चलते हैं, सर ये बताएं कि दो दो अभिनेत्रियाँ आपकी इस फिल्म में हैं, एक से काम चलता नहीं या फिर ऐसे नॉर्मली सर थोड़ा सा ना करें हम भर जाएंगे। आपको मतलब ऐसे शक्ति आ जाती होगी। नहीं नहीं करण दुबे जी देखिए आप, करण दुबे आपका नाम है, आप जो मजे लेते हैं आप मजे लेके मजे लेते हैं और कोई भी आर्टिस्ट जाके भी आपसे अपना मजा दिखा नहीं सकता है क्योंकि आप इतने अच्छे से मजा लेते हैं। किसी को टक्कर क्या देना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी जो है अच्छा से
से काम करें और ये हमारे काम की प्रशंसा बस मन में यही है और यही रहेगा। सर ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, वो हमारी भोजपुरी की भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए। भाई हम लोग तो बैठ कर कोशिश रही, हम सब कलाकार जो एक्टिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं और किस लेवल पे हमारी सिनेमा जाएगी इसमें हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हमारा सहयोग देंगे तो शायद ये मामला थोड़ा और आसान हो जाएगा। डायरेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने देखा पूरे शहर में कपड़ों की इतनी ज्यादा बरसात हुई है तो हर कोई एक दूसरे को, तो ये सिर्फ मजे के लिए था या वाकई में इसके पीछे कोई कहानी है? मैम अगर आप बताएं, आपने भी एक दो कपड़ छूटे हैं। नहीं सर, ये देखिए हमारे फिल्म की कहानी होती है और जैसी कहानी होती है डायरेक्टर हमारा जो सजाते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा काम करें कि हमारे काम की प्रशंसा हो और फिल्म हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए। तो थप्पड़ मारने का सीन होता है उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमारा स्वाभिमान फिल्म का ही नाम है, पवन सिंह की नज़र में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये जो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारी फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़न होके हमारे बूढ़ हो गए जैसे चाचा पापा आजी बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव के काम के लोग बड़े कैसे सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करेंगे चाहिए, बड़े सामने कैसे बैठने के चाहिए, बड़े के सामने कैसे खड़ा होने की चाहिए, ये फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर एक रुपए में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना भरा ताकि उस पैसे के लिए कम से एक रुपए घुसो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट स्वाभिमान, अंजना मैम आपसे ये सवाल जरूर होगा, यहाँ पर बहुत खुश हैं आप, देख पा रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आपको जब अचानक पता चला कि पवन जी के साथ आपको काम करना है, क्या चल रहा था जहन में और जब इनके साथ आप काम करती कितना कम्फर्ट फील करती है, क्या कैसे आप बयां करेंगे? हसुआ कितनों भोखर हो जाए
दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, अगर अपन भाषा बोले वाला क्यों मिल जाता, वो बच्चा होके बच्ची होके लड़का होके लड़की होके लड़का लड़की तो हम बोलते ही नहीं, मैं भाई बहन बोलता हूँ, माता माता बहन बोलता हूँ। क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद, नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है। तो कहीं भी आदमी रहेगा, आपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं जाना, जैसे मान लो कहीं खड़ा बने हम, खाली अंग्रेजी ही चला तो हिंदी हो नहीं कर सुनाएंगे। पता करता है कि भाई इन्होंने क्या बात बात की, ये बोल देता है यार, नहीं तो सॉरी नॉट ओके। लेकिन अब वही में से कौन आवाज आ गई, जी नमस्ते कैसे मानी, चाहे हाय भैया कैसे है, लगता है यार ये अपने लगता है। तो ये खुशी की बात है, ये होके चाहिए कि हमने के जो भाषा के बारे में हमने के मिल के काम करेंगे, ठीक है। जिसे बताऊँ कुछ ना बोला हो, अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे, हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय हो। आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं, इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जुटाया है। बिग बॉस में कब दिखेंगे आप? अच्छा सवाल, आप लोगों की इच्छा बगा क्या? बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे भाई ये भाई हमको सलाह देते हैं कि भैया मत जाइएगा, मत जाइएगा सर, आप बॉस हैं। ऐसा नहीं है कि बोल जी को ऑफर नहीं आया, जी जी बहुत साल पहले से ऑफर आता है, आ रहा है। लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगे, काहे ना जाएंगे। लेकिन देखा जाएगा, समय बताएगा। अब चूंकि आज इतने दिन बाद मीडिया को मिले हैं, तो मैं थोड़ा सा लॉलीपॉप शो को लेकर बताइए, हम लोग उत्साहित हैं। हम जाएं चाहे ना जाएं, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है, उसमें जाना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात बता दूं कि हम जाने गई बानी चाहे नहीं थी गई, हमने मीटिंग भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे कभी बैठे जी जवाब के लिए, लेकिन आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा वो गाना आज 15 साल से बज रहा है, और वो गाने का जो कद है वो आप लोगों की कृपा से और बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। सभी को बहुत वाकई में इंतजार है, क्या प्लान हो चुका है क्या? तब तक हम लॉलीपॉप 2 का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं अपना समय दूंगा, म्यूजिक पे बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा, फिर फट से शूट होगा, फट से सर सर कौन सा ये बताइए कि क्या वाकई में ये सच है कि सभी योनी इस गाने में है और 2 बार दे चुकी है पर आपके पास टाइम नहीं आया, वाकई में सनी योनी? ऐसा नहीं है, हमसे इतना मत बोलवाओ के मौजूद में आएगा, कौन बोलेगा आप मैं सबसे तीन बार मिलते हैं। कौन सर एक सवाल मेरा है, जिस भी लॉलीपॉप 2 में मतलब हमारे गाना में हम सुमत और जे छोमी वो एक बड़ा ही नाम होगा आप लोगों के आशीर्वाद से। क्या बात है सर, सर भोजपुरी की बॉलीवुड आपका दीवाना है सर, भोजपुरी की बात चल रही है, समाजवाद का बहुत बड़ा अंत हुआ है सर, मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा जो हमारे धर्म भाई आप जरा के लिए, क्योंकि ऐसा नेता सबके चेहरे का बार बार धरती पे नहीं आते हैं,
तो मैं चाहूंगा कि दोनों लड़के लिए हम लोग उनके लिए समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब के निधन पर आज हम सब 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और शुरू होता है प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुना जाए और सब लोग शांति बना के 2 मिनट ओम शांति ओम शांति। ईश्वर की आत्मा को शांति। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर समाप्त किया। हाँ अरे सर फिल्म खरीदने हैं इतना रुकिए या तो करके रुकिए। पवन सिंह जी की फिल्म करने